जो इस तरीके से फंक्शनल है और कुछ ये बंद कर रखे बीच दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये है फ्रंट कैमरा यहाँ पर लगा हुआ सुजुकी, ये 360 व्यू के लिए आपको यहाँ कैमरा मिल जाएगा। मैंने एक विंडो इसलिए खोली क्योंकि चाबी मैंने अंदर रखी है, वो निकालने में आसानी हो। अब तो यही सारा सब कुछ मिल जाएगा। हेलो दोस्तों, आज हमारे सामने खड़ी है मारुति सुजुकी नेक्सा की ग्रैंड विटारा अल्फा मैनुअल वेरिएंट मेरे सामने खड़ा है और मैं इस वक्त खड़ा हूँ मारुति सुजुकी नेक्सा टीआर शाने प्रीतविहार। तो दिल्ली में जो इसका एक्सशोरूम प्राइस चल रहा है 15,39,000 यानी 15,39,000। आज इसके बारे में पूरा रिव्यू करते हैं, आज आपको पूरा शो करता हूँ इसके बारे में। ये जो है ना अल्फा मैनुअल खड़ा है मेरे सामने और चलिए चलते हैं। और अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। लेंथ 4345 mm यानी कि 4345 mm इसकी लेंथ मिल जाती है। विड्थ मिलती है 1795 mm यानी कि 1795 mm। हाइट मिल जाती है 1645 mm यानी कि 1645 mm। व्हील बेस मिल जाता है हमें 2600 mm यानी 2600 mm हमें इसका व्हील बेस मिल जाता है। 5.4 टर्निंग रेडियस के साथ मिलती है। अब करते हैं इसके हेडलैम्प की बात, तो हेडलैम्प मैं आपको दिखा देता हूँ। हेडलैम्प जो देख रहे हैं ना आप इसका कितना ज़बरदस्त है। अब ये ब्लैक हाउसिंग है और ये टिंट में हो रखा है। ये LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प है। ये आपको अल्फ़ा वेरिएंट में जो है ना अल्फ़ा में आपको LED सेटअप मिलता है सारा। और ये देख रहे हैं इस तरीके से, आप ध्यान से देखिए कितना कूल लग रहा है एकदम। ये टिंट ब्लैक में है इस तरीके से और ब्लैक हाउसिंग के साथ में है। और आपको जो DRL यहीं मिलते हैं और यही आपकी LED आपको ये मिल जाते हैं टर्निंग इंडिकेटर इस तरीके से। और नीचे जो देख रहे हैं आप ये इसकी प्लेट मिल जाती है देखने के लिए। ये ग्रे भी मिलती है अल्फ़ा में और ये सेकंड पार्ट ऑफ बम्पर का आपको इस तरीके से यहाँ पर ग्रिल मिलेगी। ये इस तरीके की ग्रिल है और ये आपको पियानो फिनिश में आपको यहाँ ग्रिल मिलती है फ्रंट में जो कि जो इस तरीके से फंक्शनल है और कुछ ये बंद कर रखे बीच में से इस तरीके से देख सकते हैं। ये और ग्लॉसी ब्लैक में है और चारों तरफ अब ये सराउंडिंग देख रहे हैं। ये जो सराउंडिंग देख रहे हैं ना आप, ये वाली ये देखिए ध्यान से देखिए, ये है क्रोम फिनिश में। ये भी पूरा क्रोम फिनिश वर्क मिल जाता है आपको। सुजुकी का लोगो आपको आगे की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। और ये देख रहे हैं ये भी एक ग्लॉसी फिनिश का पार्ट दे रखा है, ब्लैक ग्लॉसी फिनिश है इस तरीके से। और ये देखिए पूरी फ्रंट प्रोफाइल है इसकी, काफ़ी अच्छा लुक है और काफ़ी ज़बरदस्त है। और इस तरीके से आपको ये यहाँ का भी अपना मिल जाता है इंडिकेटर, आपको भी मैंने बता दिया। ये हमें इस तरीके से वाइपर मिल जाते हैं और वाटर नोज़ल हमें यहाँ मिल जाती है, ठीक है। और इसमें जो है ना 360 व्यू कैमरा मिल जाता है हमें, जिसका फ्रंट कैमरा आपको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये है फ्रंट कैमरा यहाँ पर लगा हुआ, सुजुकी के लोगो के नीचे ही आपको फ्रंट कैमरा मिल जाता है। अब करता हूँ इसके साइड प्रोफाइल की बात, क्योंकि साइड प्रोफाइल में भी जो क्लाइडिंग देख रहे हैं आप सारी, देखिए थोड़ा सा स्क्वायर में हल्का सा जो व्हील आर्क दे रखा है इस तरीके से दे रखा है। और ये आपको पूरा चारों तरफ आपकी क्लाइडिंग मिल जाएगी। 17 इंच का इसमें अलॉय व्हील मिल जाता है, डायमंड कट पेंटेड है, ठीक है। और जो फ्रंट डिस्क हैं वो वेंटिलेटेड हैं और पीछे जो डिस्क मिलेंगे आपको वो सॉलिड मिलेंगे। और आपको जो है ऑटोमेटिक एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ORVM मिल जाते हैं, इंडिकेटर का ऑप्शन यही मिल जाएगा। और यहाँ पर जो देख रहे हैं नीचे की साइड में ये आपको कैमरा मिल जाता है, ठीक है। ये 360 व्यू के लिए आपको यहाँ कैमरा मिल जाएगा और जो कैश बटन मिल जाता है यहाँ पर, ठीक है। और ये पूरा क्रोम का फिनिश मिल जाएगा आपको। डोर हैंडल आपको वाइट में मिलेंगे और जो आपका बी पिलर है वो ब्लैक में है, बाकी ए पिलर और सी पिलर आपका वाइट में मिलेगा। क्वार्टर ग्लास आपको ये देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर इस तरीके से, और ये ब्लैक करके मतलब जिससे थोड़ी प्राइवेसी रह रही है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब पूरा, और जो इसके सीसी है ना मतलब प्योर वाइट नहीं है कि एकदम कोई अंदर झाँक सकता है। आप खुद देख सकते हैं कि मतलब थोड़ा सा टिंट में है इस तरीके से। अब करते हैं रियर प्रोफाइल की बात, तो हमारे सामने जो है ना वो अल्फ़ा मैनुअल है, तो ये स्मार्ट हाइब्रिड है पर माइल्ड हाइब्रिड में आता है। और अल्फ़ा प्लस और जेटा प्लस में हमें जो होता है वो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड दिखने के लिए मिलता है। तो बात करता हूँ रियर प्रोफाइल में, इंडिकेटर, ठीक है, और रिवर्स पार्किंग लैम्प, ये रिफ्लेक्टर है, ठीक है। और जो स्टॉप लैम्प है आपको वो ये मिलती है आपको पूरी यहाँ से, ये पूरी मिलती है यहाँ के स्टॉप हो जाती है इस तरीके से। ये आपको ये सारा LED सेटअप मिल जाता है आपको ग्रैंड विटारा का। आपको ये देखो वो दिख रहे हैं, यही तो मतलब पूरा जो रियर लुक है ना इसने पूरा दुनिया ही बदल रखी है इसमें। स्किड प्लेट आपको ग्रे में मिल जाती है, रिवर्स पार्किंग सेंसर आपको दो मिलते हैं और रिवर्स कैमरा आपको यहाँ मिल जाएगा जो कि 360 व्यू के साथ है। तो ये है नंबर प्लेट का ऑप्शन आपको, और डिफॉगर के साथ आपको वाइपर मिल जाते हैं, शार्प पिन एंटीना मिल जाता है।
ये हाई माउंट स्टॉप लाइट मिल जाती है यहाँ पर, और रूफ रेल आपको ये देखने के लिए मिलेगी यहाँ पर इस तरीके से ब्लैक में, अल्फा मैनुअल में आपको रूफ रेल ब्लैक में मिलती है, ठीक है। और ये इसका स्पॉइलर है, और अब दिखाता हूँ मैं आपको चाबी, चाबी आपको वही इस तरीके से मिलती है, दो बटन के साथ मिलती है, अपना लॉक अनलॉक और जो है अपना पुश मतलब रिप्रेस बटन के साथ ओपनर है, मतलब की पास में होनी चाहिए अपनी, और ये रिप्रेस बटन ऑन हो जाएगा। देखो कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न है कि गाड़ी अगर अंदर से मान लीजिए चाबी जो है वो अंदर रह गई, मैंने देखी गाड़ी बंद कर दी है, और ये अपने इससे भी बंद कर देता हूँ मैं, क्योंकि इसका तो कॉन्सेप्ट ही यही है कि अगर चाबी पास में होगी तो गाड़ी जो है अनलॉक हो जानी चाहिए, तो अपना रिक्वेस्ट बटन दबाते ही, तो इसका कॉन्सेप्ट ये है। अब मैं इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न है कि अगर आप अंदर बैठे हैं मान लीजिए और बाहर से कोई भी गाड़ी, मतलब क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट ये है कि चाबी पास में, चाबी पास में, अब बाहर से कोई अनलॉक करता है तो भाई नहीं होगी अनलॉक, कितनी भी कॉल ले कर ले अनलॉक नहीं होगी। चलिए अब बात करता हूँ इसको, देखो हमने अनलॉक कर दी, ठीक है। अब या मान लीजिए अभी लॉक है और मैं इसको अनलॉक करता हूँ, अपना ये पास में आई गाड़ी अनलॉक हो गई रिक्वेस्ट बटन से, ठीक है, मुझे चाबी की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब बात करता हूँ, देखिए अनलॉक है पूरी गाड़ी, ठीक है। अब मैं करता हूँ सेंट्रल लॉकिंग से बंद, सेंट्रल लॉकिंग की देख रहे हैं बंद कर दी मैंने इससे, अब देखते हैं रिक्वेस्ट बटन काम कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर मैं अब गाड़ी की चाबी जो है बाहर भी लेके आता हूँ तो नहीं कर रही, कर गई भाई, मतलब सिंपल सा है, गाड़ी की चाबी जो है अंदर होगी तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि गाड़ी बाहर से नहीं खुलेगी, बिल्कुल भी नहीं खुलेगी, गाड़ी की चाबी बाहर होनी चाहिए तभी ये रिक्वेस्ट बटन काम करता है। अब मैं बात करता हूँ, देखिए अब इसको लॉक करके अपनी जेब पॉकेट में रख ली मैंने, ठीक है। अब मैं इसको अनलॉक करता हूँ, अनलॉक होगी, तो ये एक मिथ था, मतलब लोगों को थोड़ा सा टेंशन थी इस चीज़ की, कुछ लोगों ने सवाल किया था तो मैंने उसका जवाब दे दिया कि अगर गाड़ी की चाबी अंदर है, अगर आप अंदर बैठें तो बाहर से कोई भी माइका लाल नहीं खोल सकता है इस रिक्वेस्ट बटन से, ठीक है। और अगर बाहर आ गई है, चाहे आपने सेंटर लॉकिंग कर ली, लगा रखी है, जो कुछ भी कर रखा है, बाहर है आपकी पॉकेट में, इतनी नियर बाय है, अगर बाहर से सेंसर कर लिया इसमें कि बाहर है तो अनलॉक होगी। तो अब हम बात करते हैं इसके डोर ट्रिम की, डोर ट्रिम में ये आपको पूरा सॉफ्ट टच मिल जाएगा, ठीक है, लेदर फिनिश में है, और ये आपको वन टच अप और वन टच डाउन ड्राइवर साइड की विंडो का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। ये आपको अपने ORVM के एडजस्टमेंट मिल जाते हैं, ये फोल्डेबल मिल जाते हैं, जैसे ये देख रहे हैं फोल्ड हो गए, और यही ओपनर है, ठीक है, जैसे ये ओपन हो गया, ये मिल जाता है आपको सेंटर लॉकिंग का ऑप्शन, और ये आपको विंडो का ऑप्शन मिल जाता है, ये पूरा ग्लॉसी में है, ठीक है, ग्लॉसी ब्लैक है, और ये ग्रैब हैंडल मिल जाता है। डोर ओपनर आपको क्रोम फिनिश में मिलेगा, ये आपका डोर लॉक है, और 1 लीटर बोतल वाटर के साथ मैप पॉकेट मिल जाती है। चारों डोर पे आपको स्पीकर और स्पीकर की ग्रिल मिल जाती है दो ट्विटर के साथ, ठीक है। हाँ मैं एक चीज़ बता दूँ, मैंने आपको बताना भूल गया, इसका ग्राउंड क्लियरेंस देखिए 205 mm है इसका ग्राउंड क्लियरेंस, ठीक है, तो ये ग्राउंड क्लियरेंस इसका 205 है, और इसकी जो अंडर थाई सपोर्ट है, जो अंडर थाई सपोर्ट बहुत अच्छा है, और अच्छी फिनिशिंग के साथ आपको इस तरीके से ये देखने के लिए मिलती है सीट, और जो चारों सीट के जो अपने देख रहे हैं ना, चारों नहीं पांचों सीट के जो अपने हेडरेस्ट हैं वो फ्लेक्सिबल हैं, एडजस्टेबल हैं, और आपको जो सीट की हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन यहाँ मिल जाएगा, ये रिक्लाइंग एंगल एडजस्टमेंट मिल जाएगा, स्लाइडिंग एडजस्टमेंट आपको यहाँ मिल जाती है, तो ये थी एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब चलते हैं अंदर की तरफ, तो अंदर से अब मैं बंद करता हूँ, ठीक है। अच्छा, जब मैं पिछली बार आया था गाड़ी की ये रिव्यू बनाने के लिए, जब पहली बार यहाँ पर इस शोरूम पे ये लॉन्च हुई थी, तो गड़बड़ ये हुई थी कि लोगों ने सुबह से देख देख के इसकी बैटरी बिल्कुल डाउन कर दी थी, पर आज हमारे पास बैटरी पूरी है, आज मैं सब कुछ दिखाऊंगा, सही से दिखाऊंगा, ठीक है। तो अब चलो देखते हैं, तो ये पहले बात करते हैं, आपको लेदर रैप में आपको स्टेयरिंग मिल जाएगा इस तरीके से, ठीक है, और ये क्रोम की ग्लॉसी ग्रे सिल्वर में मिलेगा आपको, येला पोर्शन नीचे फ्लैट में नहीं है, पूरा राउंड में है, ठीक। और आपको ये वॉल्यूम कंट्रोल मिल जाएंगे, मीडिया कंट्रोल मिल जाएगा सारा, ये टेलीफोनिक कंट्रोल मिल जाएंगे आपको, यहाँ पर आपको क्रूज़ कंट्रोल मिल जाता है, ठीक है, ये सारा सेटिंग, और ये आपको देख रहे हैं ये हेडलैम्प जो है आउटो के साथ मिलती है, अल्फ़ा मैनुअल है मेरे सामने, हम जिसमें बैठे अल्फ़ा मैनुअल है, और ये आप नहीं आउटो नहीं है, मैं आउटो नहीं है इसमें, ठीक है, ये हमारे वाइपर जो है वो आउटो नहीं है, हमारा जो हेडलैम्प है वो आउटो दे रखा है, और ये आपको MID डिस्प्ले मिल जाती है देखने के लिए, डिजिटल है, ठीक है, और काफ़ी अच्छा 3D लुक लग रहा है, और ये आपको RPM मीटर मिल जाएगा, ठीक है,
और ये आपको स्पीडोमीटर मिल जाएगा, फ्यूल गेज है आपको जो इसी में, यहाँ पर भी लाइट दिखाई देगी फ्यूल की, और आपको इस तरीके से यहाँ पर भी दिखाई देगा, और स्पीडोमीटर है आपका यहाँ पर, ऑडोमीटर वगैरह ये सब आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर भी दिखा रहा है, टाइमिंग दिखा रहा है एमआईडी डिस्प्ले में, ये सारे आपको इंडिकेशन मिल जाते हैं, इस तरीके से आपको क्लस्टर देखने के लिए मिलेगा। और ये जो देख रहे हैं ये, इसमें अपनी सेटिंग ए बी सी ट्रिप करके सेटिंग मिलती है, दो ऑप्शन मिल जाते हैं सेटिंग के लिए, देख रहे हैं इस तरीके से। तो ये जो देख रहे हैं आप एसी वेंट, आपको सिल्वर ग्लॉसी सराउंडिंग के साथ मिलेंगे एसी वेंट, आपको ये मिल जाएगा। डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से मिलता है, जो काफ़ी अच्छा टेक्सचर में है, प्लास्टिक हार्ड प्लास्टिक है, मुलायम भी नहीं है एकदम, इस तरीके से ये आपको ये एसी वेंट मिल जाएंगे। ये आपको सिल्वर मेटलिक फिनिशिंग मिलेगी यहाँ पर, यहाँ देखने के लिए भी मिलेगी आपको इस तरीके से, और ये पूरा लेदर फिनिश है यहाँ पर, ठीक है, ये लेदर में है पूरा, और ये भी पूरा लेदर टच है, नहीं ये लेदर टच नहीं है, ये प्लास्टिक टच है, पर ये इंटीरियर के ड्यूल टोन इंटीरियर है हमारा, ठीक है, ब्लैक एंड ब्राउन, तो जो है ना ब्राउन मेहरून कह सकता हूँ इसको मैं, ठीक है। तो ये भी ये प्लास्टिक में, ये लेदर में है ये वाला, और ये वाला प्लास्टिक में है। तो ये आर्किमिस का अपना वही 9 इंच का अपना सिस्टम मिल जाता है पूरा, इसमें सुजुकी कनेक्ट वगैरह सब कुछ जैसा अपनों को ब्रेजा में देखने के लिए मिला, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें अपने इंटरनेट के थ्रू अपने कहीं से बैठे अपना गाड़ी को एक्सेस कर सकते हैं, सब कुछ स्पीड वगैरह सब कुछ, और इसका साउंड क्वालिटी भी आपको पता है आर्किमिस की कितनी अच्छी है, तो ये इसमें पूरा आर्किमिस का साउंड सिस्टम मिलता है सारा, और ये 9 इंच का आपको डिस्प्ले मिल जाएगी सुजुकी कनेक्ट के साथ। तो ये आपको हजार लैम्प का ऑप्शन मिल जाएंगे, ये आपको एसी वेंट है जो सेंटर में है, ठीक, और एसी के ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाएगा आपको देखने के लिए, ये सारा ये देख रहे हैं, और ये 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाएगा, यूएसबी सॉकेट आपको यहाँ मिलेगा, ऑक्स का सिस्टम है नहीं, और ये जो है ना ये जो साउंड सिस्टम है अपने इंफोटेनमेंट सिस्टम है, ये वायरलेस है सारा, ठीक। और ये जो बटन देख रहे हैं आप, इसको ट्रैक्शन ऑन ऑफ का बटन मिल जाएगा, या आपको आइडल स्टार्ट एंड ऑफ का बटन मिल जाएगा यहाँ पर। आइडल स्टार्ट एंड स्टॉप क्या होता है, जब आप क्लच दबाएंगे तो गाड़ी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी, क्लच छोड़ेंगे तो अपने गाड़ी ऑन हो जाएगी, जिसमें आपकी फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ जाती है। 5 गियर मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाएगा, ठीक, और रिवर्स का भी ऑप्शन मिल जाएगा। ये पूरा लेदर है, और ये आपको ये जो पट्टी दिख रही है पतली सी, ये आपको सिल्वर मेटेलिक में मिलेगी, और ये इसके बाद जो सराउंडिंग देख रहे हैं आप, ये चारों तरफ ये मोटी मोटी ये देख रहे हैं, ये ग्लॉसी ब्लैक में है। इसमें जो चार्जिंग पॉइंट है, ये वायरलेस चार्जर नहीं है इसमें, ठीक है, अपना ये मोबाइल रखने का स्पेस मिल जाता है यहाँ पर, और 2 कप होल्डर यहाँ मिल जाते हैं, और ये कुछ स्पेस मिल जाए छोटा सा, अपना चिल्लड़ वगैरह रख लो थोड़ी सी, ठीक है। और इसका आर्म रेस्ट दिखा देता हूँ मैं आपको, जो एक्सटेंडेबल है, ठीक, और इसका आर्म रेस्ट का लॉक है अंदर, यहाँ पर भी कुछ अपना स्पेस मिल जाता है, ठीक है, और ये आपको हैंड ब्रेक मिल जाएगा, और क्या बताऊँ मैं आपको, हाँ ये क्लब बॉक्स है, क्लब बॉक्स अपने को ये मिल जाता है, ठीक। ये है इसका आई आर वी एम आपको आउटो डी मिलेगा, इस तरीके से पूरा ब्लैक में है। हमें एयर बैग मिलते हैं, वो 4 मिलते हैं, एक दो हमें अपने फ्रंट में मिलते हैं इस तरीके से, आप देखिए एस आर एस की, और यहाँ पर भी एस आर एस का अपना ये एयर बैग मिल जाएगा, और दो मिलते हैं कर्टन एयर बैग, एक ये देखिए यहाँ पर ये देख रहे हैं बैचिंग एयर बैग की, और एक अपने को कर्टन एयर बैग इधर मिल जाता है, यानी 4 एयर बैग मिलते हैं इसमें। जो सनवाइजर में आपको देखिए लाइट के साथ आपको जो मिलते हैं मिरर मिल जाता है यहाँ पर सनवाइजर पे, और ये ड्राइवर साइड का बताया था मैंने, यहाँ पर भी है अपना को ड्राइवर साइड में भी, आपको जो ओपन करते ही आपके देखिए ओपन करते ही लाइट जलेगी, देखिए अपनी जली है पूरी जलेगी, तो जल गई यहाँ से, तो ये मिल जाती है आपको सनवाइजर, ठीक है, को ड्राइवर साइड के, और ये आपको ग्लास होल्डर मिल जाता है। भाई मेरे जैसे लोगों को ना इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जो स्पेक्टलेंस पहनते हैं, जो नज़र के चश्मे पहनते हैं अपनी हिंदी भाषा में गाऊँ तो उनके लिए बहुत अच्छा है, यहाँ पर अपना चश्मा एक एक्स्ट्रा रख सकते हैं, क्योंकि हर टाइम कैरी करना जरूर बड़ा दिक्कत हो जाती है, तो यहाँ पर अपना सनग्लास रखें या अपना स्पेक्टलेंस रखें, तो इस तरीके से आप ना यहाँ पर रख सकते हैं। तो ये आपको लाइट मिल जाएगी हैलोजन में, ये आपको माइका सिस्टम मिल जाता है, और यहाँ पर ना 1 टच सनरूफ का भी मिलता है ऑप्शन, जो कि पैनारोमिक सनरूफ है डुअल मैकेनिज्म के साथ, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। हाँ, तो ये मैंने स्टार्ट कर लिया, ये देखिए, ठीक है, सनरूफ ऑन हो रही है पूरी, ठीक है। ये अभी जो है ना सिर्फ वो वेंटिलेट के लिए ऑन हुई है, मैंने अभी एक बार दबाया था,
मैंने बंद कर दी। अब मैं इसको ऊपर की तरफ कर दूंगा तो अब ये पूरी खुल जाएगी, यानी ये इसको ऊपर कर, ये सारा जो सेटिंग है सारी उसी की है, ठीक है, ड्यूल मैकेनिज्म के साथ है सारी, ठीक है। ये देखिए, यही तो इस खास बात है यार, जमाना चल रहा है इसका। अब बंद कर देंगे, इस तरीके से बंद हो जाएगी ये पूरी। अब एक खास बात, ये जो देख रहे हैं आप, ये वाला, ये फैब्रिक में है और ये अपने आप आ रहा है, मुझे हाथ से खींचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो ये था, अब इसका दिखाता हूँ मैं आपको 360 व्यू कैमरा, ये है इसका 360 व्यू कैमरा भाई। तो यही सारा सब कुछ मिल जाता है इसमें, अल्फा मैनुअल है मेरे सामने, ठीक है। तो ये आपको ब्लोर की सेटिंग मिल जाएगी यहाँ पर, एडजस्टमेंट, और ये इस तरीके से, गर्मी लग रही थी मेरे को, मैंने खोल लिया। तो ये है 360 व्यू कैमरा, बाकी सारे सेटअप अपना ये वो सब जैसा आप जानते ही हैं, ठीक है। तो हम इसको बंद करते हैं, तो मेरे ख्याल से फ्रंट केबिन में अब कुछ नहीं रह गया है। अब गाड़ी करते हैं बंद, आपको पुश स्टार्ट बटन मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से अपने एक बार दबाएंगे तो अपना इस तरीके से सिर्फ इग्निशन ऑन होगा, अगर क्लच दबा के ऑन करते हैं तो अपने इंजन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये आपको दिख रहे हैं इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप बटन, तो यहाँ मिल जाएगा। और ये आपको हाई बीम लो बीम का ऑप्शन मिल जाएगा ठीक देखने के ना, ये एडजस्टमेंट के लिए। तो अब मैंने सब कुछ पूरा कर दिया, ट्विटर बता दिया मैंने। हाँ, ये है भाई ग्रैब हैंडल, जो कि सॉफ्ट फोल्डेबल है, ड्राइवर साइड नहीं आएगा, बाकी तीनों जगह अपना आ जाता है इस तरीके से। और ये देख रहे हैं ये कुशनिंग जो है ना, ये वाली कुशनिंग एकदम कम्फर्ट फील करा रही है ये वाली, ठीक है। और ये पूरी लेदर में है, ठीक, ये हमारे जो इंटीरियर के साथ ही मैच हो रहा है पूरा। अब चलते हैं रियर केबिन की तरफ, तो सीट मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट कर रखी है, तो अब चलते हैं रियर केबिन में, बताता हूँ आपको। और लॉक लगा, पहले लॉक खोल लूँ। तो रियर केबिन का जो डोर है वो कुछ इतना ओपन हो रहा है, लगभग 90 डिग्री से थोड़ा सा कम है, लेकिन हाँ काफ़ी स्पेस है, क्योंकि गाड़ी भी थोड़ी बड़ी है, अंदर आराम से आना जाना होगा और आपका हेड भी नहीं लगेगा। तो ये इसका डोर ट्रिम है जो वही है अपना ड्यूल टोन में, ठीक है। और अपना ये ब्लैक ग्लॉसी मिल जाएगा, ये ग्रैब हैंडल है, ये पूरा लेदर टच है, ठीक है। ये आर्मरेस्ट का भी वर्क करेगा, या जो हमने आगे देखा था, 1 लीटर बोतल होल्डर और ये थोड़ा सा स्पेस, स्पीकर, डोर ओपनर क्रोम में है और अपना ये लॉक मिल जाएगा। तो ये है पीछे की भाई अपनी अंडर थाई सपोर्ट, काफ़ी ज़बरदस्त है, ये आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। और अब चलते हैं अंदर की तरफ, तो देखिए जो सीट कवर है ना, इसके एसेसरीज का पार्ट नहीं है, ये मैं बता देता हूँ आपको, इसी के साथ में ही है। ये देख रहे हैं, ये इसका आर्मरेस्ट है, यहाँ बेल्ट भी लगी हुई है कुछ, ये बेल्ट क्यों लगी हुई है, अच्छा यार ये देखो बेल्ट भी लगी हुई है, ताकि ये कोई बच्चा खींचे या कोई मतलब ज़बरदस्ती ना करे, ठीक है। तो ये बेल्ट भी यहाँ पर लगी हुई है, इस तरीके से खींच लीजिए अपना, और ये दो कप होल्डर मिल जाएंगे, ठीक है, काफ़ी अच्छी चीज़ है। और ये पॉकेट भी मिल जाएंगे आपको सीटों में, ठीक है। आगे की सीट मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट कर रखी है, तो लेग रूम भाई मस्त है इसमें, ठीक है, ये देखो, और नी रूम भी मस्त है भाई, और हेड रूम तो आप देख ही रहे हैं काफ़ी ठीक है। मेरी हाइट जो है वो 5.10 इंच है, और ये मिल जाएगा आपको रियर में, एसी वेंट अपना वही टाइप ए और टाइप सी दोनों पोर्ट मिल जाते हैं आपको पीछे चार्जिंग के लिए। और लाइटें आपको जो सेकेंडरी लाइट मिलती है आपको, वो ये मिल जाएंगी बटन के साथ, एक इधर मिलेगी और अपने इधर मिलेंगी, ये रियर केबिन के लिए। तो ये था पूरा रियर केबिन, काफ़ी अच्छी चीज़ है, काफ़ी कंफर्ट है भाई इस कार में। कुछ लोगों को ये कार बहुत बल्की लग रही है, पर बल्की जो है ना, इसका जो लुक है वो बल्की है, पर एक्चुअल में जो है ना कार जो है वो बहुत ज़बरदस्त है और काफ़ी अच्छी है। इसका बूट स्पेस मैं आपको दिखा देता हूँ, नीचे पीछे देखिए रिक्वेस्ट बटन मिल जाएगा, यहाँ कैमरा मैंने बता दिया था आपको 360 के लिए। तो ये है इसका बूट स्पेस, काफ़ी अच्छा बूट स्पेस है। तो जो एट अ टाइम वीडियो बनाते वक्त मेरे पास इसकी फिगर नहीं है बूट स्पेस की, तो अगर मेरे को मिल गई तो मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगा इसका बूट कितने लीटर का है। तो ये पार्शियल ट्रे मिल जाती है यहाँ पर इस तरीके से, और ये देखिए लाइट मिल जाएगी आपको, ठीक है, लाइट है आपकी जो बटन के साथ नहीं है, ऑलवेज नहीं, लाइट का बटन है भाई, लाइट का बटन ये रहा। और ये आपको 12 वोल्ट का सॉकेट इस तरीके से, वो कुछ हैंगिंग पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है,
और ये अपना वेंट है एसी, तो जो हवा थोड़ा सा निकलती रहे चारों तरफ से, ये आपको पूरा काफ़ी स्पेस है। और यह आपको स्टील रिम भी मिलता है, आपका जो टायर है स्पेयर व्हील इस तरीके से। तो ये था भाई इसका पूरा रियर। अब चलते हैं इसके इंजन बे की तरफ। ये देख रहे हैं फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसकी 45 लीटर है। इंजन मैंने ओपन कर दिया। फ्यूल कैप इसका लेफ्ट साइड आता है। ये एक चीज़ देखिए, ये जो है ना, ये अगर कभी हाथ डालते हैं आप तो ये पूरा सॉफ्ट है, जो आपके हाथ में नहीं लगेगा। बोनेट भारी है काफ़ी, ठीक है। और मैं पहले बोनेट लगा लेता हूँ। तो ये है इसका पूरा इंजन बे। इंजन में मैं आपको दिखाता हूँ, ABS विथ EBD यूनिट आपको ये मिल जाएगी। ESP का ऑप्शन मिल जाएगा इसमें, ठीक है। और इसकी जो मैक्सिमम पावर है वो 101.64 BHP, यानी 101.64 BHP मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करती है 136.8 Nm, यानी 136.8 Nm इसका टॉर्क है, मैक्सिमम टॉर्क। और 1.5 लीटर का इंजन मिल जाता है, 4 सिलेंडर माइल्ड हाइब्रिड के साथ आती है। तो ये इसका पूरा इंजन बे है। और इसका जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी 45 लीटर है, 21.6 किलोमीटर पर लीटर की इसकी ARI माइलेज है। इंसुलेशन शीट आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगी इसके ऊपर, और ये अपना वाटर के लिए है। और इंजन काफ़ी साइलेंट है, मैंने स्टार्ट करके भी दिखाया था आपको, ठीक है। और तो ये है पूरी ऑल ओवर इसकी स्टोरी, मैंने आपको बता दी है। सनरूफ है, ड्यूल मैकेनिज्म पैनोरमिक सनरूफ मिल रहा है इसमें, ठीक है। और अपना इस तरीके से आपको देख रहे हैं, पूरी प्रोफाइल है, ज़बरदस्त है। कुछ लोगों को देखने में ना फर्स्ट लुक में ये बहुत बल्की लगती है, पर ऐसा नहीं है, बहुत बल्की नहीं है, अच्छी खासी है। मतलब इसके नॉर्मल यूज़ में कर सकते हैं, बल्की जो और गाड़ियां हैं वो बहुत ज़्यादा बल्की हैं, पर ये एक अपनी रेगुलर यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। और कहीं पहाड़ों पर कहीं भी जा रहे हैं तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी अच्छा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। तो अब ये डिसाइड करना है कि ये गाड़ी अगर आपके बजट, आपके रिक्वायरमेंट और आपके दिल को भाती है तो आप ज़रूर बाय करिए, क्योंकि इस गाड़ी में देखिए कोई कमी नहीं है। ज़बरदस्त लुक है, ज़बरदस्त फिनिश। इस वक्त खड़ा हूँ मारुति सुजुकी नेक्सा अपना प्रीत VR TR शाने। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत रह गई, आपको कोई भी क्वेरी रह गई है अभी भी, तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में सारे फ़ोन नंबर कॉन्टैक्ट डिटेल दे रहा हूँ, तो वहाँ से अपना बेझिझक फ़ोन घुमा के कंफर्म कर सकते हैं कोई भी अगर डाउट रह गया हो। तो शोरूम पे भी आके विज़िट कर सकते हैं। अगर आप वीडियो से आपको थोड़ी सी क्लियरिटी नहीं आई तो आप विज़िट करिए, गाड़ी को खुद देखिए अपनी आंखों से। और भाई एक हो सकता था कि वीडियो में जो आप देख रहे हैं इसमें सारी चीज़ें इतना क्लियर नहीं आएंगी, क्योंकि वीडियो का थोड़ा सा मामला थोड़ा सा अलग रहता है, लेकिन फ्रंट पर जब देखते हैं ना, रियल में लाइव देखते हैं, तो उसकी चीज़ अलग होती है। तो आइए अपने देखिए, और फिर से वही कह रहा हूँ, अगर आपकी बजट, आपकी रिक्वायरमेंट और आपको दिल को भाती है तो ये कार आपके लिए सबसे बेस्ट है। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में।